अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? शिष्य। तुम्हारे माँ बाप पैसे देंगे, तुमको क्लास तक छोड़ने के लिए आएंगे, तुमको लेने के लिए आएंगे, तुम्हारा खाने पीने का ध्यान रखेंगे, ये उनकी ड्यूटी। टीचर्स की ड्यूटी तुमको अच्छे से अच्छी तरीके से इजी वे से सिखाने की कोशिश करेंगे, वो टीचर्स की ड्यूटी। लेकिन उसके बाद भी एक अर्जुन बनता है, सो अर्जुन नहीं बने महाभारत में, अर्जुन कितने हैं? एक। अगर द्रोणाचार्य में ताकत होती थी तो पूरे की पूरे कौरव सेना और पांडव सब अर्जुन बन जाते थे। तो द्रोणाचार्य महान या अर्जुन महान? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन में काम करने की इच्छा थी, सीखने की इच्छा थी। मैं दोनों हिसाब से बात कर रहा हूं, नॉट ओनली कराटे, एजुकेशन की भी बात कर रहा हूं, प्रोफेशन की भी बात कर रहा हूं। अगर तुम तुम्हारे धंधे में इंटरेस्टेड नहीं हो, पिताजी लेके जाएंगे अपने खुद के धंधे में भी, लेकिन तुम इंटरेस्ट नहीं हो तो पिताजी का धंधा भी डुबा डालोगे। सो अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है। ओके, किसी और को दोष मत दो, समझ में ना? तो पहले से इंटरेस्ट के हिसाब से तुम अपना चूज करो कि कौन सा करियर तुम्हें लेना है, कौन सी फील्ड में तुम्हें जाना है। अगर वो तुम खुद डिसाइड करोगे, इंटरेस्टेड रहोगे, वो ही तुम रेगुलरिटी रखोगे, और रेगुलरिटी ओनली गिव्स यू प्रोग्रेस, नहीं तो कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। मैंने देखा आप लोगों को, मैं दो पार्ट में कराटे में बांटता हूँ, एक एज वाइज। ओके, जो स्कूल स्टूडेंट्स है अप टू 10th स्टैंडर्ड, तुम्हारा मुख्य ध्यान होना चाहिए तुम्हारे बेसिक्स के ऊपर, कि तुम्हारा बेस कितना मजबूत हो, बेसिक्स जिसका अच्छा, जिसके पंचेस करे, जिसके ब्लॉक्स करे, जिसके किक्स करे। ओके, वही एक अच्छा कॉम्बिनेशन कर सकता है स्टैंडिंग, और वही लड़का मूविंग कॉम्बिनेशन अच्छा कर सकता है, और वही लड़का एक अच्छा फाइटर बनता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? बेसिक्स से। अगर बेसिक्स ही पुअर रह गया, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का देखा जिनका कमिटे ठीक नहीं है, बैलेंस ठीक नहीं है, बारी बारी बैलेंस लूज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। तुम्हारा बेसिक्स पहला बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, और तुम्हें खाली उसके ऊपर ही ध्यान देना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा करो, फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करो। ओके, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, अभी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं करना है, अभी हाइट बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। हाँ, आफ्टर 18 ईयर्स तुम्हारा ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, उसके बाद जरूरी है कि तुम तुम्हारा फिजिकल एबिलिटी बढ़ाओ, कंडीशनिंग। ओके, तुम्हारा पावर जरूरी है वहाँ पे, बाकी जरूरी है बच्चे लेवल पे बेसिक्स, परफेक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, एंड सीनियर जरूरी है कि पावर बढ़ाओ, कंडीशनिंग बढ़ाओ। ओके, तब तक तुम्हारा कंडीशनिंग के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बराबर है तो, लेकिन बेसिक्स बराबर होना बहुत जरूरी है। मैंने 4-5 जन को देखा कि वो बेसिक्स काफ़ी कुछ अच्छा करते, बाकी कहीं जन बैलेंस थोड़ा लूज करते, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तुम्हारा ओपोनेंट इधर खड़ा है, ओके, तो तुम्हारा ध्यान इसके ऊपर रहेगा कि इधर रहेगा? तुम पंच इधर मारते हो, देखते इधर हो, चले नहीं। कराटे बहुत सी चीजें डेवलप करता है, तुम एक फायदा लेते हो। मैं कहता हूं तुम एक टेक्निक, एक चीज करो तो साथ में 3 फायदे ले लो। बेसिक्स करते हो तो साथ में तुम्हारा आंख का पावर, तुम्हारा माइंड पावर डेवलप होना जरूरी है। आंख का पावर कैसे होता है? जब मैं पंचेस करता हूँ, ओके, तो मैं आंख एकदम खुली रख के कंटिन्यूस पंच मारता हूँ, दैट डेवलप माय आई पावर। ओके, और जब मैं सीधा ही देखते जाता हूँ, ओके, और करते जाता हूँ, दूसरा मेरा कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो जाते हैं कि मेरा एक ही जगह पे पंच जाना चाहिए, जरा भी पंच ऊपर या नीचे या राइट या लेफ्ट नहीं जाना चाहिए। तो दो पावर साथ में डेवलप होता है, पंच तो हुआ एक, दूसरा हुआ आई, और तीसरा हुआ कॉन्सेंट्रेशन माइंड। खाली तुम ऐसे ही पंच मारते रहोगे तो मुझे नहीं लगता है पंच भी सही परफेक्ट होएगा। तो फॉरगेट योर माइंड एंड आई पावर। तुम घर पे कुछ गलत कर दिया रहेगा या स्कूल में, तुम्हारे टीचर तुम्हारे सामने जरा ऐसा देख